मौजूदा मेहमान ग्रामी हम सब आपको डॉक्टर नैना और डॉक्टर सिनान की शादी में खुशामदीद कहते हैं। हाँ तो मिस नैना, आज आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने वाली हैं, तो हम सब आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप मिस्टर सिनान को अपने निकाह में कबूल करती हैं? कबूल है। हाँ तो मिस्टर सिनान, मिस नैना ने तो आपको अपने निकाह में कबूल कर लिया है, लेकिन अब आपकी बारी। क्या आप मिस नैना को अपने निकाह में कबूल करते हैं? नहीं सिनान, नहीं सिनान, सिनान रुक जाओ, रुक जाओ बेटा, हरगिज मत करना ऐसा, हरगिज मत करना, हरगिज। नैना? मेरा ही कसूर है कि सिनान की अम्मी ने हमारी शादी की तकरीब खराब कर दी, लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। आखिर मैं भी एक इंसान हूँ। ये जो प्यारी सी बच्ची दिखाई दे रही है, ये कोई और नहीं, मैं हूँ। मैं गुड़ियों के साथ खेल रही थी और ये मुझे मेरी अम्मी ने मेरी सालगिरह पे तोहफा दिया था। उस दिन से लेकर आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ख्वाबों के शहजादे के बारे में ही सोचती आई हूँ। एक सच्ची मोहब्बत का ख्वाब देखती आई हूँ जो हर लड़की देखती है। जब मैं हाई स्कूल में थी तब मुझे एक लड़के से प्यार हुआ था और उस लड़के का नाम जान था। कितने महीनों तक तो मैं उसे सिर्फ देखती रही और उसे प्यार भरे खत भी लिखे, सिर्फ इसी उम्मीद में कि वो कभी तो समझेगा मेरे प्यार को। लेकिन होता क्या है, एक बतूल नाम की लड़की थी, वो उससे प्यार करता था। उस वक्त तो मुझे उन दोनों को साथ देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्या कर सकती थी मैं। आखिर मैंने वो सारे खत फाड़ कर फेंक दिए और निकाल दिया उसे अपने मन से। खैर चलें, अब आते हैं अपनी असल कहानी की तरफ। सिनान से मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और मैंने सोच लिया था कि ये वही शख्स है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार सकती हूँ। मैं हमारी पहली मुलाकात अभी तक नहीं भूली। जानते हैं क्या हुआ था? ऊपर तुम क्या, तुम जिस गाड़ी का बता रही थी जिसे तुमने हिट किया है, वो मेरी है। क्या ये आपकी कार है? जी हाँ बिल्कुल, ये मैंने नहीं किया। क्या कहा तुमने? हमारे प्यार की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी और भी बहुत यादगार लम्हे। ये नहीं हो सकता। तुम यहाँ क्या कर रही हो, पीछा कर रही हो मेरा? क्या आप भी यहाँ जॉब करते हैं? वैसे कहा जाता है कि प्यार की असल कहानी नफरत से ही शुरू होती है। मेरे साथ भी पहले ऐसे ही हुआ था, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। खुदा के लिए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्या तुम एक मिनट के लिए भी खामोश रह सकती हो? प्लीज खामोश हो जाओ, मेरा दिमाग मजीद खराब मत करो। किसको समझा रहा हूँ मैं? जब देखो सिनान मुझ पे गुस्सा करता रहता था, चिल्लाता रहता था। नैना! लेकिन जिंदगी भी कितनी अजीब है, जिस शख्स को मुझ पे गुस्सा आता था उसी को मुझसे प्यार भी हो गया, वो प्यार जिसके ख्वाब देखती आई हूँ मैं। सिनान की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी मैंने, मेरे लिए तड़पते देखा मैंने उसे। ये वही मोहब्बत थी जो मैं चाहती थी और जिस शख्स से आप मोहब्बत करते हैं उसे बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। सिनान ने मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही किया था, मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। अगर वो चाहता तो मरने देता मुझे, लेकिन सिनान ने ऐसा नहीं किया और मुझे बचा लिया। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ सिनान की वजह से। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं कि सिनान मेरी जिंदगी में आया, वो सिनान जो मुझे खुद से भी ज्यादा प्यार करता है। जब मेरी हालत कुछ बेहतर हुई तो उसने मुझे प्रपोज कर दिया, वो भी एक बिजली की तार से बनी हुई अंगूठी पहनाकर। ये तुम क्या कर रहे हो? सरप्राइज। मुझसे शादी करोगी? हाँ, जैसा मैं सोचा करती थी उस तरह से प्रपोज नहीं किया गया था मुझे। मैंने हमेशा यही सोचा था कि किसी अच्छी सी जगह पर ले जाकर सिनान मुझे प्रपोज करेगा, लेकिन शायद ये मेरे ख्वाब से भी ज्यादा खूबसूरत लम्हा था। सबसे अहम चीज है सिनान का मेरे साथ होना। बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं, हम जिंदगी साथ गुजारने वाले हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें सिर्फ प्यार होगा।
हमेशा एक दूसरे का साथ देना होगा। बस यही सोच रही थी मैं हर वक्त, लेकिन मेरी होने वाली सांस ने सब खराब कर दिया। आगे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया। ये शादी नहीं कर सकते। चलो आप क्या कर रहे हैं यहाँ सारे लोग। चलो 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 यकीन करें। आप देखिए तो सर, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। मैं बहुत अच्छी लड़की हूं, आपको सब समझा। क्या समझाओगे तुम आखिर इन्हें, क्या समझाओ बताओ मुझे। हाँ? हम जैसा सोचते हैं अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। ये सब 2 महीने पहले की बात है। इतने दिन गुजर गए ज़ैनब यार, वो अभी तक खामोश है, बात को आगे बढ़ा ही नहीं रहा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और उसने जो मुझे अंगूठी पहनाई है उससे भी अब जंग लग रहा है यार। रोज सुबह उठकर मैं इसको साफ करती हूँ कि कहीं जंग की वजह से टूट ना जाए, यही सोचती रहती हूँ मैं। सिनान आ रहा है। ठीक है मेरी जान, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके बाय बाय। नैना कैसी हो तुम? ठीक, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक। नैना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। चलो शुक्र है। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप बोलो क्या कहना है तुम्हें। दरअसल मैं तुम्हें, यानी ये कहना चाह रहा था कि हो सकता है जो तुम्हें कहना है डायरेक्ट बोल दो, मुझे क्यों घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं है। मेरी अम्मी आ रही है। अम्मी आ रही है? कब आ रही है? जुमे के दिन। इस वाले जुमे को? मेरा मतलब है कि सिर्फ 3 दिनों के बाद वो यहाँ होंगी। हाँ। सफाई करनी होगी। सफाई मतलब? सफाई सिनान, मेरा मतलब है कि सबसे पहले घर का फर्श, बाद में अलमारी, किचन। किचन तो मैं भूल ही गई, मुझे किचन बहुत अच्छी तरीके से साफ करना होगा। मैं जा रही हूँ, जाके सफाई शुरू करती हूँ। हाँ नैना। चलो नैना भागो, सफाई नैना, रुको यार, आराम से, क्या हो गया तुम? यार सिनान तुम मुझे कुछ दिन पहले ही बता देते ताकि मैं सफाई तो शुरू कर देती। सोफों के नीचे से भी सफाई करनी होगी। यार बात तो सुनो मेरी। अच्छा गहरा सांस लो, बात सुनो मेरी सुकून से। शाबाश, ऐसे ही गहरी गहरी सांस लो। शाबाश शाबाश। हाँ ऐसे ही। मेरी अम्मी तुम्हें नहीं जानती। क्या मतलब? यानी मेरा प्लान था कि मैं सही वक्त आने पर उन्हें आराम से इस बारे में बताऊंगा। क्या कहा ये? एक मिनट, यानी हमारे बारे में कुछ नहीं मालूम? हाँ। इसका मतलब है कुछ नहीं जानती वो? नो। अंगूठी का भी नहीं बताया उनको? मतलब कुछ नहीं बताया? हाँ बिल्कुल। क्यों क्यों नहीं बताया? मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम अपनी अम्मी से फोन पर बात नहीं करते, या वो कॉल नहीं करती तुम्हें? नैना हम फोन पर बात करते हैं, लेकिन मैं उनसे इस तरह की बातें फोन पर नहीं करता। अंगूठी जो तुमने मुझे पहनाई वो नजर आ रही है ना तुम्हें? ये भी भूल गए हो तुम। इसका मतलब यह है कि हमारी मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। बताना चाहिए था ना उन्हें, जब उनसे पूछे बगैर मंगनी कर सकते हो तो उनको बताने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। हाँ तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम उन्हें बिल्कुल नहीं जानती। कैसे नहीं जानती? जानती हूँ मैं उन्हें, हर कोई जानता है उनके बारे में। तुम्हारी अम्मी एक बहुत बड़ी प्रोफेसर है, जानती हूँ मैं। हाँ मिली नहीं तो क्या हुआ, मगर तुम्हारा तो फर्ज बनता था ना उनसे मेरा तारुफ करवाना। नैना मैं तुम्हारा तारुफ करवा देता, लेकिन उससे पहले मुझे उन्हें आदि बनाना होगा। क्या मेरा आदि बनना होगा? हाँ बिल्कुल। यानी बात सुनो मेरी, मेरी अम्मी थोड़ी मुश्किल खातून है, वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, ना ही खुश होने वाली है तुम्हें देख के। क्यों यार, मैं कितनी प्यारी हूँ, कितनी स्वीट हूँ, क्या कमी है मुझ में? यही तो मसला है नैना, कि स्वीट लोग मेरी अम्मी को पसंद नहीं। हाँ अच्छा तो ये बात है। या नैना मैं बस यही कहूंगी, अगर तुम्हें लगे कि मैं उनके काबिल हो गई हूँ तो उसी दिन मेरा उनसे तारुफ करवा देना। नैना कहाँ जा रही हो तुम? बोर्ड मीटिंग में। और कहाँ? नैना नैना देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो। ठीक समझ रही हूँ मैं। देखो तुम बहुत अच्छी हो, आइडियल हो, हम सब तुम्हें चाहते हैं, लेकिन मसला तुम्हारा नहीं। अब तुम मुझसे ये मत कह देना कि दरअसल मसला तुम नहीं मैं खुद हूँ। मैंने ये कब कहा तुमसे? हाँ तो फिर क्या कह रहे? मैं ये कह रहा हूँ कि मसला तुम्हारा नहीं उनका है। सिनान मैं बिल्कुल भी नहीं जानना चाहती कि आखिर मसला है किसका। नैना तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? क्या ये वजह कम है? इतना अरसा हो गया लेकिन अम्मी से तुमने जिक्र नहीं किया मेरा। हाँ लेकिन मेरी पूरी बात तो सुन लो। अब मजीद मुझे तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ मैं। सॉरी सर आने में जरा देर हो गई हमें। ठीक है तो जैसा कि सब लोग जमा हो गए हैं, मैं बात का आगाज करना चाहूंगा हॉस्पिटल की फार्मेसी और उसकी हम जरूरियात पे। चलें फिर शुरू करते हैं। Thank you.
पैसे यहाँ पर रखो और ये यहाँ से ले जाओ। चलो शाबाश जल्दी करो। हाँ बात सुनो, इसे जरा एहतियात रखना। जाओ। हाथ हो गए यार, कोई काम ढंग से नहीं करते। या मेरे अल्लाह। हेलो मैडम, मैं मलिक, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर सिनान से मिलना है मुझे। हाँ, मगर मैडम आप अभी उनसे नहीं मिल सकते। अच्छा, क्योंकि वो इस वक्त मीटिंग में हैं। कैसी मीटिंग? वो बोर्ड की मीटिंग। बोर्ड की मीटिंग, बिजी है वो। खैर मैडम, आपको कुछ और पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। हाँ पूछना है। वॉशरूम कहाँ है? यहाँ से सीधे जाके बाएं जानिब मुड़ जाएं, उसी तरफ है वॉशरूम। हाँ, ऐसे तुम्हें भी आसानी हो जाएगी। जी बिल्कुल सर। वैसे ऐसा कोई है तुम्हारे जहन में? जी, इस बारे में मैं आपसे बात करने ही वाला था। अगर कोई है तो बुला लो उसे। जी ठीक है, मैं बात करके उसे आपके ऑफिस में ही बुला लेता हूँ। मुझे इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर, सी यू। नैना, मैं इस वक्त बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ और आपसे बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ मैं। नैना तुम कब तक ये सब करती रहोगी? क्या सुबह से तुम अजीब बिहेव कर रही हो मेरे साथ? मैं तो कुछ नहीं कर रही, आराम से तो बात कर रही हूँ तुमसे। ऐसे बात करती हो तुम आराम से? मिलकर बहुत अच्छा लगा उनसे, इतनी प्यारी है कि बता नहीं सकती। वैसे किस दोस्त की बात कर रही हो तुम? क्या मतलब है किसकी बात कर रही हूँ? मैं अपनी बात कर रही हूँ, तुम्हारी कितनी दोस्त हैं यार? अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, अभी के अभी गाड़ी में बैठो और फौरन मेरे पास आ जाओ। आधे घंटे में हम घर पे मिल रहे, ठीक है? अब यार अभी मैं नहीं आ सकती, बहुत काम है मुझे। यार ज़ैनब, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, कोई काम वाम नहीं होगा, सोफे पे बैठी होगी तुम। हाँ तुम्हें ऐसा लगता है मैं इस वक्त अपनी पैकिंग कर रही हूँ ना, और थोड़ी ही देर में इस्तांबुल भी पहुँच जाऊंगी। क्या कह रही हो तुम यार? यार मैं एक हफ्ते के लिए इस्तांबुल जा रही हूँ अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए। ज़ैनब मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ जा रही हो कहाँ नहीं जा रही, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम आधे घंटे में मेरे पास आ रही हो मेरे घर पे। एक काम की बात करनी है। तुम और काम की बात? जरूर डॉक्टरों वाली बात होगी। नहीं यार ज़ैनब, दरअसल हमारा हॉस्पिटल एक स्कूल में तब्दील होने वाला है। बात करती हूँ ज़ैनब, जाहिर सी बात है मैं एक डॉक्टर हूँ और इसी सिलसिले में बात भी करनी है तुमसे। हेलो ज़ैनब, तुम सुन रही हो मुझे? सुन रही हूँ मैं, बल्कि सुन लिया नैना, बस अभी आती हूँ। हाँ जबरदस्त, चलो फिर मुलाकात होती है। ओके चलो बाय। और वैसे भी काम के लिए तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं आ रही हूँ नैना। अरे महमूद भाई ऐसा मत करें यार, इस वक्त कहाँ जाऊंगा मैं, मत करें ऐसा। जहाँ मर्जी चाहे जाओ, मैंने तुम्हारा ठेका तो नहीं ले रखा है, 3 महीने से किराया नहीं दिया तुमने। हा? अरे महमूद भाई 3 माह का कहा, 2 माह का नहीं दिया किराया, हद है यार। अरे महमूद भाई आपने सारे कपड़े गंदे कर दिया, मैंने कैसे पहनूंगा, कुछ तो ख्याल करें। महमूद भाई मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ, ये तो आप मेरे बारे में जानती ही हैं, बस हालात अच्छे नहीं आजकल कुछ। तुम डॉक्टर हो, जब ही तुम पर भरोसा किया था मैंने, और तुमने क्या किया मेरे साथ? महमूद भाई एक मिनट बात सुने मेरी, बस थोड़ा वक्त और दे दे मुझे, कल सुबह 7:30 बजे बैंक जाकर पैसे ट्रांसफर करा दूंगा, यकीन करे मेरा। सुबह 7 बजे कौन सा बैंक खुलता है बोलो, और वैसे भी ऐसे बातें तुम मुझसे बहुत बार कर चुके हो, पकड़ो इसको। अगर कपड़े फेंक ही दिए तो बैग भी फेंक दे मेरा, हद है यार। हेलो। हेलो उज़ैर, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? अरे महमूद भाई आप में तो इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई कैसे कर सकता है किसी के साथ ऐसा? उज़ैर क्या हुआ यार, सब ठीक तो है ना तुम्हारे साथ? ओह नो, हेलो सिनान, आपने मुझे बताया था कि तुम्हें जॉब की जरूरत है, बस इसीलिए फोन किया। हाँ मेरे दोस्त, मुझे वाकई इस वक्त जॉब की सख्त जरूरत है। मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मैं अभी मुश्किल में हूँ। अच्छा ठीक है फोन करने की जरूरत नहीं है, बस तुम डायरेक्ट हॉस्पिटल आ जाना। नैना जी कहिए। कहीं जा रही हो? क्या कहीं जा भी नहीं सकती मैं? नहीं बिल्कुल जा सकती हूँ। ओके जा रही हूँ फिर। क्या ये पूछ सकता हूँ कि कहाँ जा रही हूँ? तुम्हें बताना मुनासिब नहीं समझती मैं। नैना। हाँ बोलो। अच्छा चलो कहीं बैठ कर बात करते हैं। दरअसल मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। यार कम से कम ये तो बता दो कहाँ जा रही हूँ। वो मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है, मैं बेकिंग क्लास के लिए जा रही हूँ, दरअसल मुझे पहले ही देर हो गई, इसलिए मजीद सवाल मत पूछो मुझसे।
क्या तुम अभी तक नाराज हो मुझसे? नहीं तो नाराज क्यों होंगी मैं तुमसे? और वैसे भी तुमने कहा था कि ये मेरा मसला नहीं तुम्हारा है। मसला मेरा नहीं अम्मी का है। तुम्हारा हो या अम्मी का बात एक है। वैसे तुम्हारा स्कार्फ बहुत अच्छा है, जिसने भी खरीदा उसकी पसंद अच्छी है। इसको समझाना मुश्किल है। इस बारिश को भी अपील देना था। भागो भागो वरना गीले हो जाओगे। हेलो, एक सानिया पेश आए, खातून का बैग हॉस्पिटल के बाहर गिर गया है और वो पर्स मेरी कस्टडी में है इस वक्त। मैं अभी ले जाके उनको दे देता हूँ। ये पुलिस स्टेशन नहीं जो तुमने। चुप करो, मुझे वो खातून नजर आ गई। आंटी आंटी एक मिनट मेरी बात सुने आप। क्या है? मुझे एक पर्स मिला है। क्या ये पर्स आपका है मैम? हाँ हाँ, ये मेरा है। कहाँ से मिला तुम्हें? जहाँ से मिला है ना मुझे, वहाँ तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन वालों को भी नहीं मिल सकता, लेकिन हॉस्पिटल के हीरो ने इसे ढूंढ निकाला है और आपके पास ले आया। ठीक है बेटा, शुक्रिया तुम्हारा। ये असल में मेरा काम नहीं है, मेरी जॉब नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही जर्मन शेफर्ड सिक्योरिटी गार्ड बन गया हूँ। अदरवाइज मैं तो जर्मनी में एक बहुत ही अच्छी मार्केटिंग की जॉब करता था। और ठीक है, बकवास बंद करो तुम अपनी। ठीक है, तुमने मुझे मेरा पर्स वापस किया, उसके लिए शुक्रिया। मुझे तुम्हारी कहानी सुनने का कोई शौक नहीं इस बारिश में। मैं तो पहले ही आपको बहुत शॉर्ट करके सुना रहा हूँ, फिर भी आप नहीं सुन रहे। बस एक मिनट के लिए सुन ले। इससे पहले तो मैं माफिया वालों के साथ काम कर रहा था, लेकिन काम नहीं चला। बात तो सुने यार, इस हसीन मौसम में आप गपशप भी नहीं कर सकती मेरे साथ। कैसी खातून है आप? आपको बातें करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है? मैं पागल लगता हूँ आपको? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल पागल हो। तुम मेरी बातें सुन रहे हो? बटन तो छोड़ो, कब से पकड़ा हुआ है? हाँ सॉरी, मैंने कब से पकड़ा हुआ है इसे? अजीब मौसम है यार, ऊपर से एक आंटी मिली थी, उन्होंने मुझसे बात करना गवारा नहीं समझा। यार इस बारिश के मौसम में अब टैक्सी कहाँ से मिलेगी मुझे? किसी को टैक्सी नजर आए तो बताना मुझे। आई टैक्सी टैक्सी, रुको, इसमें तो पहले से कोई बैठा हुआ है। ओफ मेरी किस्मत, टैक्सी टैक्सी खाली है फिर भी मुझे लेके नहीं जा रहा। हद है यार, मेरे इतने अच्छे जूते गीले हो गए, अब क्या करूं मैं? और मेरे कपड़े भी गीले हो गए, क्या करूंगी यार? अब इतनी तेज बारिश में मुझे टैक्सी कैसे मिलेगी और इसमें किसी का क्या कसूर है? टैक्सी टैक्सी यार, किस्मत तो देखो मेरी, इसमें भी लोग भरे हुए हैं। हद है, खाली टैक्सी कहाँ ले जा रहे हो? रुको, मुझे अपने साथ ले चलो, किराया दूंगी तुम्हें। ये खाली है टैक्सी, रुको 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 रुको। ओह शुक्र है कि आपने टैक्सी रोक दी। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ ओह शुक्रिया तुम्हारा। इतनी तेज बारिश में मैं यहाँ कब से खड़ी हूँ? ये टैक्सी पहले मैंने रोकी थी। क्या मतलब पहले रोकी है तुमने? यहाँ आपको मतलब समझाने नहीं खड़ी हूँ मैं। देख रही हूँ आप पूरी की पूरी भीग चुकी हूँ। मैं कब से खड़ी हूँ यहाँ पर? निकलो बाहर, मैं जाऊँगी। तो मैं क्या करूँ? दरवाजा बंद करने दो मुझे, पीछे हटो। रुको रुको रुको, तुम नहीं जा सकते। रोको गाड़ी, मुझे भी लेके चलो। यार कहाँ जाएंगे आप लोग? इससे छोड़ी गाड़ी चलाइए आप। रुको रुको, आप गाड़ी चलाइए ना, मैं कह रही हूँ आपसे। कहाँ जाना ये बताएंगी तभी तो चलाऊंगा मैं। चल नहीं, रुको रुको, मैंने कहा रुको। और आंटी सुने, इतनी तेज बारिश में खड़े होकर ये टैक्सी पहले मैंने रोकी थी और ये आप ठीक नहीं कर रही। एक्सक्यूज मी, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो बेशक इनसे पूछ ले, पहले टैक्सी मैंने रोकी थी, क्यों बताया ना इन्हें? बस बहुत हो गया। सुनो लड़का लड़की, ये बातें तुम फिर कभी कर लेना। इस वक्त मुझे इस टैक्सी में कहीं बहुत जरूरी पहुंचना है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ इस टैक्सी में तुम चल सकती हो, वरना उतर के भीगती रहो यहीं। मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं कि तुम्हारी बातें सुनती रहूं। चले भाई आप गाड़ी चलाएं। भाई तुम तो रुक जाओ एक मिनट। देखिए आप बूढ़ी हैं इसलिए मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ। बड़ा जिस लहजे में आप मुझसे बात कर रही हैं इसी लहजे में मुझे भी बात करना आती है, लेकिन मैं आपसे करूँगी। क्या क्या मतलब तुम्हारा? मुझे बूढ़ी कह रही हो तो? अब इस उम्र में मैं आपको जवान तो नहीं कह सकती ना, कम से कम आपकी उम्र 65 साल तो होगी। मैं क्यों होने लगी? खुद होगी 65 बरस की। कैसे भी ज्यादा उम्र है। बात सुनो, जानती भी हो किससे बात कर रही हो तुम? फौरन उतर जाओ गाड़ी से। इधर इधर दो ये मुझे। आंटी ये क्या कर रही हैं आप? आप इसे फेंक कैसे सकती हैं? जानती हैं कितना अहम था मेरे लिए ये, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। भाई जरा टैक्सी रोके, मैं अपने स्कार्फ लेकर आती हूँ अभी। जाना नहीं, तुम गाड़ी चलाओ ड्राइवर। वाकई तुम एक पागल और बूढ़ी औरत हो। मुझे तो तरस आ रहा तुम्हारे घर वालों पे कि वो तुम्हें बर्दाश्त कैसे करते होंगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारी जैसी बदतमीज और पागल औरत कहीं नहीं देखी। साइको कहीं की। उस पागल औरत को इतना भी ख्याल नहीं आया कि एक मासूम सी प्यारी सी बच्ची बारिश में भीग रही है, उसे भीगता हुआ छोड़ के चली गई। मेरा एक दोस्त यहाँ आने वाला होगा। ठीक है डॉक्टर, आपका दोस्त यहाँ आने वाला है? बात तो पूरी करने दो मलिक। सॉरी डॉक्टर सिनान, मैंने आपकी बात काट दी। सिनान उसेर,
कैसे हो मेरे दोस्त? मैं ठीक, तुम सुना? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ या कोई और बात है? यार क्या बताओ, मेरे मालिक मकान ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, वो भी इस मौसम में। डॉक्टर माफी चाहता हूँ, एक बात पूछनी थी। आपका जो दोस्त आने वाला है उसको क्या करना है? बस मुझे बता देना मालिक। हाँ अच्छा ठीक है डॉक्टर, बता दूंगा फिर मैं। हेलो सर, वेलकम। शुक्रिया। देखा तुमने हमें क्या क्या सहना पड़ता है। चलो तुम अंदर आओ, जल्दी आ जाओ। बात क्या है सिनान? कोई बात नहीं, खुद समझ जाओगे। यार सिनान कुछ तो बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ। चलो ज़हर, क्या हो गया तुम्हें यार? बहुत शुक्रिया आपका, ये लीजिए। थैंक यू। हाय ज़ैनब। या मेरे अल्लाह, ओफ ओफ। क्या हुआ? यार क्या बताऊं, एक अजीब पागल औरत मिल गई थी जिसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। इतनी तेज बारिश में मैंने अपने लिए टैक्सी रोकी और वो आके बैठ गई। वैसे कब आई हो तुम? थोड़ी देर पहले ही आई हूँ मैं। अच्छा ये तो बताओ कहाँ जा रही थी तुम? अलकाटी जाने का प्लान था मेरा, ये मौसम बेहतरीन होता है वहाँ जाने के लिए, इसीलिए वहाँ का प्लान बनाया था। जाना वाना छोड़ो, चलो मेरे साथ अंदर, हम बातें करते हैं। चलो 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 चलो, रुकी क्यों हो, चलो। यार मुझे तो अफसोस हो रहा है महमूद भाई पे, सिर्फ 2 माह का किराया नहीं दिया और मुझे घर से निकाल दिया। उसने तुम्हें निकाल दिया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। यार तुम जानते हो मुझे पैसे मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खैर मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ। काश मेरी जॉब ना जाती सिनान। हाँ वैसे ये बताओ, उस जॉब का क्या मामला था? उन्होंने क्यों तुम्हें फायर किया? यानी आखिर ऐसा क्या किया तुमने उनके साथ? हाँ मेरा हैंडसम होना ही मेरा जुर्म बन गया, इससे क्या होगा यार, मैं तो पूरा ही भीगा हूँ। वैसे हैंडसम होना भी काफी नुकसानदेह है। क्या मतलब इस बात का? यार मुझे वहाँ एक लड़की पसंद आ गई थी और वो भी मुझे पसंद करने लगी थी, लेकिन उसके डैड को पता चल गया। और उसके डैड हॉस्पिटल के ओनर थे और देखते ही देखते निकाल दिया मुझे बाहर। तुम कभी नहीं बदल सकते यार। हो सकता है कि अब बदल जाओ, क्योंकि छोटी सी गलती की वजह से सड़क पर आ गया हूँ आज। यार उज़ैर मैं तुम्हें अपने घर में रहने का कहता, लेकिन अम्मी भी आने वाली हैं और नैना के मामला भी कुछ। यार परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं कर लूंगा अपना इंतजाम। वैसे भी आजकल किस्मत साथ नहीं दे रही मेरा सिनान। लेकिन अब शायद तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। बात सुनो मेरी, मैं तुम्हारी जॉब की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ज़ैनब तुम्हारे लिए जॉब की कोशिश कर रही हूँ मैं, बस तुम्हें जाकर अप्लाई करना है उस जॉब के लिए। मैं अपने बॉस से बात कर लूंगी और ये मसला हल हो जाएगा, और उसके बाद हम दोनों एक साथ काम करेंगे, बहुत मजा आएगा और डांस भी करेंगे। हाँ लेकिन काम के दौरान हम डांस नहीं कर सकते, अगर तुम चाहो तो अकेले में डांस कर सकती हो। वो तो तुम्हारी शादी पे करूंगी मैं। हाँ ज़ैनब इस वक्त शादी की बात ना ही करो तो अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि सिनान ने अपनी अम्मी को अभी तक मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। बहुत ही गलत किया है उसने। सिर्फ गलत नहीं किया, उसने दिल तोड़ा है मेरा। नहीं जब उसने कहा सरप्राइज है मैं तभी समझ गई थी, लेकिन उससे कुछ कहा नहीं मैंने। और जब उसने मुझसे मेरी अम्मी की अंगूठी मांगी तो मुझे यकीन हो गया। नहीं नहीं ये वाला रहने दीजिए, ये गला हुआ है, सही वाले मत निकाल देना। हाँ ठीक है ये वाला निकाल दो। क्या निकालूं? मैं फल वाले से बात कर रही थी, तुमसे बात नहीं कर रही। तो फिर मैं फोन रख दूं क्या अम्मी? नहीं तुम क्यों रखोगी फोन, में बात कर रही हूँ ना, अभी तो बात शुरू की है। पता नहीं कैसी हो गई हो तुम। मुझे क्या पता। क्या उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? अरे नहीं अम्मी आप तो जानती हो वो मुझसे इस तरह की बातें नहीं करता। मेरी बात सुनो, पहली बार वो मुझे किसी लड़की से मिलवा रहा है, इसका मतलब कि वो संजीदा है। 1 किलो नाशपाती भी दे दे, अब देखते हैं वो लड़की मुझे पसंद भी आती है या नहीं। नाशपाती के साथ बैंगन भी दे दे 1 किलो। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ अम्मी, आप नाशपाती और बैंगन खरीद ले पहले। अरे नहीं बेटा बस हो गई मेरी खरीदारी, बस वो कोई घरेलू लड़की ना हो, कोई जॉब करती हो, और अगर बाद में कोई जॉब ना करना चाहे तो मेरे पोता पोती संभाले वो। और ये 1/2 किलो आड़ू भी दे दीजिएगा मुझे, क्या ख्याल है तुम्हारा? अब आड़ू के बारे में क्या ख्याल होगा मेरा? अरे भाई मैं तुमसे नहीं दुकानदार से पूछ रही हूँ। हाँ भाई बताइए क्या ख्याल है आपका? इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, अब वैसे तो अच्छी होती हैं लड़कियाँ ज्यादातर। ओहो मैं लड़की की नहीं आड़ू की बात कर रही हूँ आपसे। अच्छा आड़ू की बात कर रही हैं, ये तो बिल्कुल ताज़े हैं। यार ज़ैनब अगर मैं सिनान की अम्मी को पसंद ना आई। नैना तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो यार, बहुत क्यूट और स्वीट हो तुम। हाँ स्वीट तो हूँ, लेकिन सिनान कह रहा था कि स्वीट लोग पसंद नहीं उन्हें। हाँ देखो सिनान का ही फोन है, करते रहो कॉल, करते रहो, मैं फोन नहीं उठाऊंगी जब तक मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। मैं इसका फोन नहीं उठाऊंगी, देख लेना, भले बचता रहे। फोन तक नहीं उठा रही मेरा, नैना पागल हो गई है नहीं समझेगी। मैंने उसे कहा था कि मेरी अम्मी कोई आसान खातून नहीं है, उनसे मिलकर ही तुम्हें यकीन आएगा, लेकिन वो समझ ही नहीं रही। जितना जल्द हो सके ये मामला सुलझा दो सिनान, ये औरतें होती है ना बड़ी अजीब दिमाग की होती है, बस एक बात ये दिमाग में बिठा ले तो फिर किसी की नहीं सुनती। हाँ ठीक कह रहे हो।
अभी मेरा 2 घंटे का ब्रेक है, मुझे उससे मिलने जाना चाहिए, क्या कहते हो? कॉल से वो मेरी उठाएगी नहीं, शायद उसके सामने जाकर बात करूं तो वो सुन ले। क्या घर जाओगे उसके? अरे नहीं यार, वो अभी बेकिंग क्लास में होगी, पता नहीं इतनी खवातीन में मुझे उससे बात करने का मौका मिलता भी है या नहीं। अगर तुम्हें कोई काम नहीं तो यहीं रुक जाओ, मैं वापसी आकर मिलता हूँ तुमसे। अच्छा ठीक है फिर, जब तक मैं भी अपने रहने के लिए कुछ बंदोबस्त कर लेता हूँ, तुम जाओ आराम से। हाँ ठीक है, वैसे भी तुम्हारा कौन सा घर है जो जाने की जल्दी हो। हम सिनान और सिनान की अम्मी के बारे में बातें करने में इतने मसरूफ हो गए कि मैं बेकिंग क्लास जाना तो बिल्कुल ही भूल गई। चलो मैं जा रही हूँ। मतलब जाने का कह रही हूँ मुझे? यार ज़ैनब कैसी बातें कर रही हो, मेरा मतलब ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं कितना लेट हो गई हूँ सिनान के चक्कर में, सब कुछ भूल गई हूँ यार। मजाक कर रही हूँ यार, तुम मेरी बातों को इतना सीरियस मत लिया करो। यार तुम भी मुझे जानती हो कि मैं थोड़ी थोड़ी बातों पर परेशान हो जाती हूँ। कुछ काम है तो बताओ मुझे। कोई काम नहीं, शुक्रिया। चलो नैना अब मैं भी चलती हूँ, तुम्हें गुड लक तुम्हारे केक के लिए। शुक्रिया ज़ैनब, ओके खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आई दिखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो टीचर की फेवरेट हो जाऊंगी मैं। आ फोन लेना तो भूल गई मैं, अब ये खुल क्यों नहीं रहा। हाँ अब गिर मत जाना हाथ से मेरे। आ, 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 या अल्लाह, तुम यहाँ यहाँ क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरी सारी मेहनत खराब कर दी। क्या है, क्या है ये सब, क्या करना चाहती हो तुम मेरे साथ? मैंने कुछ नहीं किया बल्कि आपने मेरा केक खराब कर दिया। टीचर को क्या दिखाऊंगी अब मैं, वो बोलेंगे बगैर होमवर्क के तुम कैसे क्लास में आ सकती हो। बाहर में जाए तुम्हारा होमवर्क, मेरा पूरा चेहरा खराब कर दिया। माफी मांगने की बजाय उल्टा मुझसे जबान चला रही हो। अच्छा चलो चीखो मत, टिश्यू है मेरे पास, साफ कर दे। अरे छोड़ो, हट जाओ मेरे सामने, नहीं चाहिए मुझे कुछ। आइंदा मुझसे दूर रहना, समझ आई तुम्हें? और हाँ आइंदा तुम भी मुझसे दूर रहना, ठीक है? माफ करो। अजीब पागल लड़की है, उफ, न जाने आज सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली थी। या अल्लाह, मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। उफ, अजीब पागल औरत है, उसे तो मुझसे माफी मांगनी चाहिए। एक तो मुझे बारिश में भीगता हुआ छोड़ के चली गई और मेरी टैक्सी भी ले गई। अगर मैं उस वक्त उन्हीं की तरह बन जाती तो उसी वक्त उन्हें टैक्सी से बाहर निकाल देती, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब मैं टीचर के सामने क्या लेके जाऊंगी यार। उफ, अब क्या करोगी नैना? ऐसा करती हूँ बेकरी से जाके केक खरीद लेती हूँ और कह दूंगी कि मैंने बनाया है, और कोई हल नहीं है मेरे पास। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग अपना होमवर्क तो करके आए हैं ना? जी सर। जबरदस्त, मगर मैंने बनाया तो नहीं, ये खरीदा है मैंने बेकरी से, लेकिन क्या हो गया? नैना क्या कह रही हो, क्या मुझसे कह रही हो कुछ? नहीं कुछ नहीं कहा सर। चलो मैं आप सबको बताता हूँ कि आज हम एक बर्थडे केक बनाएंगे, तो आज हमारी थीम है बच्चों के लिए सालगिरह का केक बनाना। क्या अपनी मर्जी से बना सकते हैं? बना तो सकते हैं, लेकिन हम आज कार्टून कैरेक्टर पर मबनी केक बनाएंगे। ठीक है फिर। एक्सक्यूज मी, मुझे अपनी दोस्त से जरूरी बात करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ हाँ आ जाओ। ओके, मुझे लगा कि तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो आ गया। लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अच्छा तो क्या बना रही हो? आज हम कार्टून कैरेक्टर वाले केक बना रहे हैं सिनान। ठीक है शुरू करते हैं। तुम छोड़ो, खुद बना लूंगी मैं। क्या तुम बना पाओगी? हाँ शाबाश शाबाश, जल्दी करो। वैसे ये कलर मुझे बहुत पसंद आया। मैं स्मर्फ कार्टून बना रही हूँ। अच्छा